भारतीय संविधान देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान है। भारत में कानूनी प्रक्रिया और अदालत के फैसले भी हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक बराबर है, लेकिन धर्मों के मुताबिक पर्सनल लॉ अलग अलग है। भारत में सभी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत कानून मानते हैं। इसी के जरिए मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और दान संबंधित कार्य होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिला विरोधी नियम क्या क्या हैं? चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। गौरतलब है कि 5 साल पहले 1 अगस्त 2019 के दिन 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद 2 साल बाद केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने वाले दिन 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था, जिसके बाद हर साल 1 अगस्त के दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं मुस्लिम विरोधी कानून की। तलाक-ए-अहसन, इसमें शौहर बीवी को तब तलाक दे सकता है जब उसका मासिक धर्म नहीं चल रहा, हालांकि इसे 3 महीने में वापस भी लिया जा सकता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। अगर इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी तलाक वापस नहीं लिया जाता तो तलाक को स्थायी माना जाता है, इसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं। दूसरा, तलाक-ए-हसन, इसमें 3 महीने में 3 बार तलाक देना पड़ता है। इसके लिए शौहर महीने में 1 बार तलाक बोलकर या लिख कर दे सकता है, हालांकि इसमें भी तलाक तभी दिया जाता है जब बीवी का मासिक धर्म नहीं चल रहा होता। इसमें भी इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले तलाक वापस लेने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में तलाक शुदा शौहर और बीवी फिर से शादी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब बीवी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करके उसे तलाक देती है। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। तीसरा, तलाक-ए-बिदअत, इसको 3 तलाक भी कहा जाता है। इसमें शौहर बीवी को 1 ही बार और 3 बार बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है। इसमें सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से शादी तुरंत टूट जाती है। हालांकि अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में भी तलाकशुदा शौहर बीवी दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हलाला की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम महिला यानी तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के मद्देनजर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 CRPC के तहत किसी भी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं है। पांचवा, इस्लामी कानून के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष 1 ही समय में 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। बता दें कि जब आप इन इस्लामिक कानूनों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी कानून महिला विरोधी हैं, क्योंकि इन कानून के मुताबिक एक पुरुष को महिला से अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण वो इन अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी यानी मुस्लिम महिला को तलाक दे सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।